इसके बारे में उनको रिपोर्टिंग कर रहे हैं। अभी जो लोग घायल है वो अपनी मदद के लिए चिल्ला रहे हैं। पोस्ट वार्डन मिस्टर बोरा जो है उनको पूरे एरिया की जानकारी दे रहे हैं। रेस्क्यू पार्टी के नौजवान जो लोग घायल हैं उनको गोद में लेकर उनको कैजुअल पॉइंट पे लेके जा रहे हैं। इसके साथ ही फर्स्ट एड पार्टी के नौजवान भी सूचना मिलने पर तुरंत आ चुके हैं। डॉक्टर उनके साथ रहे मिस्टर लिबेरो और उनके पार्टी के नौजवान। घायल व्यक्तियों को सदर में लपेट कर और कैजुअलिटी पॉइंट पे लेके जाया जा रहा है। साथ ही जो लोग घायल हुए हैं जिनके सर से खून बह रहा है ऐसे बच्ची को भी जगह पर ही इलाज किया जा रहा है और मरहम पट्टी किया जा रहा है। अभी आप देखेंगे कि CO2 के स्पीकर के जरिए आग को बुझाया जा रहा है। ह्यूमन क्राइम के जरिए उस लड़की को बैंडेज करके हॉस्पिटल की ओर लेके जाया जा रहा है। पहले उनको कैजुअल पॉइंट के ऊपर लेके जाएंगे। फायर एक्सटिंग्विशर CO2 के माध्यम से आपको बुझाया जा रहा है। जो लोग घायल पड़े हुए हैं उनको स्ट्रेचर पर लाकर कैजुअल पॉइंट पर लेके जाया जा रहा है। इस तरह का हादसा आने वाली जिंदगी में हमेशा होता है। जब कोई बड़ी दुर्घटना होती है तो हमारे अपने ही लोग घायल हो जाते हैं और उनको तुरंत मदद की जरूरत पड़ती है। एक बात मैं आपको यहाँ पर बता देना चाहता हूँ कि हमारे ब्रेन को हमारे मस्तिष्क को अगर 3 मिनट तक ऑक्सीजन नहीं मिलता है तो आदमी मृत्यु के करीब पहुँच जाता है और मृत्यु हो जाती है उसकी। ठीक उसी तरह यहाँ पर एक फायर हुआ है जो बड़ी जगह पर आग लगी हुई है। अभी आप देखेंगे जो आग को बुझाने के लिए किस तरह से हमारे हाउस फायर पार्टी के लोग उस आग पर नियंत्रण पाते हैं। हाउस फायर पार्टी शिरफ पंप एक्सटिंग्विशर एक स्टीरप पंप के जरिए बड़े हादसे को आग से बुझाया जा रहा है। देखिए उसमें गैस भरा हुआ है और पानी जिसके माध्यम से उसके सामने आपको गैस बुझा आग को बुझा रहे हैं। जब आग छोटी से होती है तब उसपे नियंत्रण पाना बहुत ही आसान होता है, लेकिन जब बड़ी आग हो जाती है तो उसपे नियंत्रण पाना बहुत मुश्किल होता है। अगर आग छोटी रहते हुए अगर उसको बुझा लिया गया तो बहुत बड़ा हादसा होने से टल सकता है। हमारे सिविल डिफेंस के नौजवानों ने आग को काबू में कर लिया है और बकेट में पानी लाकर उस आग को बुझा लिया है। यहाँ पर कैजुअलिटी पॉइंट पर आप देखेंगे कि फर्स्ट एड के नौजवान जो लोग गंभीर अवस्था में घायल हुए हैं, जो लोग फ्रैक्चर हुए हैं, जिसका फ्रैक्चर हुआ है उनको मलहम पट्टी कर बैंडेज करके
आगे की कार्रवाई करने के लिए उनको भेजा जा रहा है। ऐसे में जब कोई हादसा होता है, छोटा सा हादसा आज छोटा सा हादसा है, कल चल के बड़ा सा हादसा बन जाता है, लेकिन अगर समय पे मदद पहुंचाई जाए तो बड़ा हादसा होने से चल सकता है। आज जिसे हम बहुत ही साधारण समझते हैं, लेकिन जब वो आग बड़ी हो जाती है तो उसके सामने हमारे सारे प्रयत्न फेल हो जाते हैं, लाखों करोड़ों का नुकसान हो जाता है और हजारों लोगों की जान चली जाती है। अभी आप देखेंगे कि स्ट्रेचर पर जो लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे उनको एम्बुलेंस में डालकर उनको हॉस्पिटल के लिए भेजा जा रहा है। साथ ही साथ उनका नाम पता एड्रेस पूरा लिखा जाता है ताकि डॉक्टर को समझने में देरी ना लगे। फर्स्ट एड के नौजवान सादे ड्रेस में है और फायर के नौजवान रेड हेलमेट डाले हुए आपको उन्होंने काबू पर कर लिया है। पोस्ट वार्डन जो है वो इंसिडेंट कंट्रोल ऑफिसर को पूरे हादसे की जानकारी दे रहे हैं। फायर के एम्बुलेंस यहाँ पर मौजूद है और एम्बुलेंस के जरिए जितने भी कैजुअल्टीज घायल हुए थे उनको मरहम पट्टी करने के बाद आगे का उपचार करने के लिए उनको हॉस्पिटल भेजा गया है। जो झोपड़ी में आग लगी थी उस आग को बुझाने के लिए स्टीरअप पंप और फायर एक्सटिंग्विशर के माध्यम से आग पर नियंत्रण पा लिया गया है। हमारे फायर हाउस फायर पार्टी के नौजवान चारों तरफ से उसको चेक कर रहे हैं कि कहीं और कोई आग बाकी तो नहीं है। रिपोर्टिंग लगेज को लोगों को दो। हाँ, अभी आप देखेंगे जब ऊंची